नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में और जानेंगे यूएसडी आईएनआर में अगला मूव चार्ट्स और डेटा की मदद से। तो दोस्तों सबसे पहले हम चार्ट्स पर चलते हैं और ये यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का चार्ट है। मैं वीकली चार्ट लगा देता हूं और इसे हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां एक डिमांड जोन मैंने बनाया है, ये एक लाइन और ये एक लाइन ड्रॉ की है इस कैंडल के बिहाफ पे, जिस कैंडल ने एक डिमांड शो की थी और उसके बाद एक तेजी हमें देखने को मिली थी 75 के लेवल्स तक। तो ये हमने एक डिमांड जोन बनाया है और ये वापस यूएसडी आईएनआर इसी जोन में आ गया है और एक ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन हमने बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस डिमांड जोन में यूएसडी आईएनआर आ गया है और हमें लगता है कि ये इसी तरह एक डिमांड जोन के आसपास ही कंसोलिडेट करना चाहिए और यदि ये इसके नीचे आता है तो ये इन लेवल्स को, जो इसका लो था 72.6, इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, आ सकता है। लेकिन दोस्तों क्या 73 के नीचे यूएसडी आईएनआर आएगा, इसको हम और डेटा की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यूएसडी आईएनआर में पिछले एक्सपायरी के बाद, जब ये इस महीने की एक्सपायरी शुरू हुई तो उसके बाद हमें एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला और वो डाउनफॉल इतना तेज था कि 3 दिन के अंदर यूएसडी आईएनआर लगभग 1.5 रुपया टूट गया, आईएनआर 1.5 रुपया मजबूत हो गया। तो दोस्तों ये तो चार्ट की मदद से हमें देखने को मिला ही, लेकिन यूएसडी आईएनआर ने 73.1 फ्यूचर्स लेवल के आसपास में सपोर्ट लिया और 73.3 और 73.1 के बीच में अभी इसने 3 दिन अपने बिताए हैं, ये 3 दिन इसने बिताए हैं। तो दोस्तों इन 3 दिनों की वजह से यहाँ जो डेटा की कंसोलिडेशन हुई है, जो कैंडल्स की कंसोलिडेशन हुई है, इसकी वजह से एक उम्मीद ट्रेडर्स में जगी कि ये 73 के लेवल्स को सस्टेन करेगा या 73 के लेवल्स को होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों हम एक बार डेटा की मदद से भी देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर में क्या पोजिशन बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि डाउनफॉल हमें देखने को मिला था एक्सपायरी के बाद ही देखने को मिला था, तो यहां तक आप देखेंगे 31/8 यानी अगस्त के महीने का आखिरी दिन 31/8, तो उस दिन तक भी इसमें एक बिल्डअप, चेंज इन ओआई में यहां एक बिल्डअप नजर आएगा आपको और बिल्डअप के बाद ये वीवैप देखेंगे तो 73.3 तक वीवैप आ गया था। तो दोस्तों वीवैप इतना नीचे आने के बाद, 73.3 का वीवैप आने के बाद अगले 3 दिन, 1, 2, 3 सितंबर, अगले 3 दिन इसमें हमें एक अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली। अगर इन 3 दिन की अनवाइंडिंग का हम सम करें तो लगभग 3 लाख के अराउंड जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट के इसमें अनवाइंड हो गए हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 73. जो इसका लो देखेंगे आप तो 73.1 के आसपास का है और हाई जो है इसका 73.35 या 32 के आसपास का है। बार बार ये हाई को टेस्ट करता है और नीचे की तरफ आ जाता है, क्लोजिंग नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों इससे हमें एक बात समझ आई कि 73.1 से लेके 73.3 का जो ये जोन है, जो 20 पैसे का जो ये जोन है, इस जोन के अंदर 73.2122 के वी वैप से इसने 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को बुक कर लिया है, क्लोज कर दिया है यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर्स में। इसका मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड होते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये मान सकते हैं कि जो ऊपर से शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो इन लेवल्स पर आकर अनवाइंड हो गई है, क्लोज हो गई है। तो यदि ये शॉर्ट पोजीशन क्लोज हो गई है तो एक हम एजम्पशन ये भी ले सकते हैं कि यहाँ इन लेवल्स को यूएसडी आईएनआर बिल्कुल सस्टेन करना चाहिए, या फिर यहाँ अगर कोई नया बिल्डअप नजर आता है तो वीवैप की मदद से हम डायरेक्शन जानने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यूएसडी आईएनआर में जो तेजी है वो 73.3 के लेवल्स तक बनती है जो कि ये हाई है, और जो मंदी है वो 73.1 में अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो नीचे की तरफ हम देखेंगे कि ये कहां जाता है या ऊपर की तरफ ये किस तरफ का ब्रेकआउट देता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो इसमें वोलाटिलिटी एक बनती थी जो ऊपर से नीचे आया था, तो वो अभी हमें बिल्कुल यहां
बुक होती हुई नजर आती है, खत्म होती हुई नजर आती है, न्यूट्रलाइज वोलेटिलिटी होती हुई नजर आती है। तो दोस्तों इसके बाद यदि स्ट्रेडल के चार्ट में भी यदि देखेंगे तो 73 का अकेला जो पुट है, 73 का जो पुट है वो 3 लाख ओपन इंटरेस्ट के पास पहुंच गया है। 3 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और पूरी सीरीज में केवल 73 की पुट में ही इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट अभी जनरेट हुआ है, बना हुआ है। तो दोस्तों इससे एक अच्छी वॉल यानी एक अच्छा सपोर्ट हमें 73 के लेवल्स पर नजर आता है, केवल इसकी वजह से कि इतना हाई ओपन इंटरेस्ट अभी इसमें बन गया है। हालांकि ऊपर की तरफ हम देखें तो 73.5 के लेवल्स पर जो है कॉल पोजीशन आई है नीचे की तरफ सस्टेन होती हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 73 के ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी बन गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसा कि हम अपनी वीडियोस में बात करते हैं 2 लाख ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा की हम बात करते हैं कि वो एक वॉल बना देता है, तो अभी 73 की पुट में तो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया है। तो पिछले दिनों की 73 की एक्टिविटी को यदि हम ट्रैक करें, 73 की पुट की एक्टिविटी को यदि हम ट्रैक करें तो दोस्तों इसमें जो ट्रेडिंग हुई है वो भी काफी अच्छी रही है और जो इसमें चेंज इन ओआई है, कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज इन ओआई है, वो भी काफी अच्छे रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 दिनों में आप देखेंगे तो 15% ट्रेडेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन ओआई, यानी कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई और उसमें कितने लोगों ने पोजीशन बनाई हमें जो विजिबल है चेंज इन ओआई में। तो दोस्तों इसमें 15% 12% का नंबर काफी अच्छा है, इसका मतलब कि इतने लोगों ने तो डायरेक्ट विजिबली ही पोजीशन बनाई है और काफी लोगों ने हैंडओवर या शेकओवर चेंज ओवर में भी पोजीशन बनाई होगी। तो इससे कहानी ये समझ आती है, 73 की कॉल का भी अगर वैल्यू देखेंगे तो 42 पैसा है, तो ओवरऑल यदि 73 के डाटा को ऐड करेंगे, कॉल और पुट के डाटा को ऐड करेंगे तो 60 पैसा आता है। लेकिन इसमें अभी एक कहानी ये समझ आती है कि 73 की पुट में जो 20 पैसे का वीवैप है, इस 20 पैसे के वीवैप को यदि एडजस्ट करें तो 72.8 यानी के जो व्यूअर्स हैं, जो 73 के पुट राइटर्स हैं, जो इतनी बड़ी वॉल क्रिएट कर रहे हैं, तो एक व्यू ये समझ आता है कि वो इस वैल्यू को 73 के लेवल्स को डिफेंड करना चाहते हैं, 73 के ऑप्शंस को डिफेंड करना चाहते हैं, इसका प्रीमियम इरोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर 73 अपने आप में इसलिए एक दमदार एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, यदि 73 किसी भी वजह से यदि 73 के नीचे ये ट्रेडिंग करना शुरू करता है, होल्ड करता है, तो फिर हमें ये लेवल्स जो है, ये नीचे के जो लेवल्स हैं 72.6 के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हमें नजर आते हैं नीचे डाउनफॉल में नीचे जाने के लिए। दोस्तों ये 72.6 के ये सपोर्ट के लेवल्स जो है ये हमें नजर आते हैं डाउनफॉल में इसे नीचे जाने के लिए। तो इस तरीके से हम इसमें यूएसडी आईएनआर में एक व्यू समझते हैं और देखते हैं। तो मैं इसे कंसोलिडेट कर देता हूं, बताने की कोशिश करता हूं कि दोस्तों क्योंकि फ्यूचर्स का यदि डेटा देखें तो लास्ट 3 दिन में 3 लाख के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं, अनवाइंड होने की रेंज जो है 73.3 से 73.1 बनती है। तो इस रेंज में ही यूएसडी आईएनआर अभी ट्रेड कर रहा है। 73 के पुट में एक अच्छी वॉल बनती हुई नजर आती है, 73 की पुट की वैल्यू 20 पैसा है, प्रीमियम 20 पैसा है। तो दोस्तों यहां एक स्ट्रेटजी जो है 73 के पास बनाई जा सकती है। तो दोस्तों यहां एक स्ट्रेटजी 73 के आसपास में बनाई जा सकती है, आप 73 की पुट को शॉर्ट करके नीचे की 72.5 या 72.75 की पुट को लॉन्ग करके एक बार को ट्रेड कर सकते हैं और ऊपर में कॉल 73.5 के आसपास की कॉल को शॉर्ट करके ऊपर 74 में कॉल लॉन्ग करके एक हेज ले सकते हैं, इस तरह से अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों यूएसडी आईएनआर का व्यू जो हमें समझ आता है। एक बार डीएक्सवाई देख लेते हैं, DXY में भी आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में हम एक देखने की कोशिश करते हैं DXY को, डॉलर इंडेक्स को। तो दोस्तों लास्ट वीक भी इसने काफी अच्छी मंदी की कैंडल दिखाई है, जिसका एक सपोर्ट हमें यहां बनता हुआ नजर आता है। DXY इन लेवल्स के आसपास में सपोर्ट ले सकता है। और GBPINR की यदि बात करें तो GBPINR में भी दोस्तों जैसा कि एक फॉल आया, एक अच्छा फॉल आया USDINR के साथ, एक अच्छा डाउनफॉल इसमें भी आया था, तो GBPINR में भी अभी जो एक ये अपने सपोर्ट जोन से हमें लगता है ये बाउंस किया है, सपोर्ट जोन से बाउंस किया है और ये इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। यदि ये इस रेंज में फिर से ट्रेड करता है तो डेफिनेटली हमें लगता है ये 99 के लेवल्स तक
आ सकता है। तो दोस्तों ये हमें व्यू इसका समझ आता है। यदि आपको हमारे व्यू से आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।